हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मनी प्लांट टावर पे हमारा वीडियो है और मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे हर कोई अपने घर में लगाता है और चाहे वो पौधे लगाए हो या ना लगाए हो, क्योंकि मनी प्लांट एक बहुत ही इजी ग्रोइंग पौधा है और पॉजिटिव एनर्जी वाला है, शुभ भी माना जाता है, इसलिए हर कोई इसे अपने यहाँ लगाता है। इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, कई तरीके से लगाते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि आप मनी प्लांट टावर कैसे तैयार करें। आज थोड़ी धूप निकली है, बरसात का टाइम है, मेरे पास कई मनी प्लांट्स के पौधे हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से अपने गेट के दोनों ओर इस तरीके से आपको दूर से दिखाती हूँ, ये इस तरह से हमने टावर तैयार किया है और कैसे इसको बनाना है, क्या केयर करना है, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। देखिए, ये तो मेरे थोड़े पुराने प्लांट हैं, आप देख रहे हैं। थोड़ा पौधों के मामले में फ्रेंड्स पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आप सोचे आज कटिंग लगा दे और आज ही हमारा पौधा तैयार हो जाए 10-15 दिन में, तो वो नहीं पॉसिबल है। ये मेरे पुराने पौधे के हैं और मैं दिखाऊं कि मैंने नया पौधा भी कैसे तैयार किया है और कैसे लगाना है, इसकी कैसे केयर करनी, ये सब भी बात करूंगी। ये देखिए मेरे मनी प्लांट के, देखिए अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक कटिंग, ये देखिए ये मैंने एक कटिंग पिछली बार, ये वाली एक कटिंग, मुझे एक ये गोल पत्ते वाली कटिंग मेरे पास नहीं थी, तो मुझे ऐसी टहल रही थी तो एक जगह मिल गई, केवल एक ही कटिंग मैंने तोड़ ली। मनी प्लांट कोई देना भी नहीं चाहता है, तो मैंने एक इसको तोड़ लिया और इसको लगाया था पिछली साल बरसात में फ्रेंड्स लगाया था, और ये एक ब्रांच ग्रो होते होते देखिए इतनी बड़ी हो गई है। ये केवल एक ही प्लांट है, एक ही ब्रांच है फ्रेंड्स, और अब जो है इसमें से जड़ों से ग्रोथ हो रही है। देखिए अब इसको हम इसी पे लपेटते रहेंगे। इसके लिए पूरा टावर बनाने के लिए एक इस तरीके की मॉस स्टिक जरूर होनी चाहिए, और यदि मेरे पास और कटिंग ज़्यादा होती है, आपको जल्दी तैयार करना है क्योंकि अभी बरसात है तो बहुत जल्दी आपका बनेगा पौधा, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 लगाइए कटिंग, और यदि आप कटिंग लगाएंगे तो अगली बरसात तक आपका पूरा टावर इस तरीके का तैयार हो जाएगा। कई कटिंग इस तरीके से तैयार होंगी तो पौधा भी घना हो जाएगा। मेरी तो चूंकि एक ही कटिंग ये लगी थी और अब अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, तो देखिए अब इसकी जड़ों से ये निकली है। इसको भी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इस पर हम लपेटते जाएंगे। आपको दिखाते हैं कैसे हम ये ब्रांचेस बांधते गए हैं इसमें, और फ्रेंड्स इसको इसकी केयर तो करनी पड़ेगी आपको, बिना केयर के ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। बहुत लोग कहते हैं मनी प्लांट लगा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो थोड़ी सी केयर जरूरी है। केयर में आपको करना क्या है, फरवरी में और सितंबर में इसमें अच्छे से गुड़ाई करके आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए, और फिर उसके बाद 15-20 दिनों पर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर भी दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर की, जब हम केवल लिक्विड फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट या पुराना गोबर खाद हम पानी में भिगो देते हैं, तो 3 दिन तक भीगने के बाद उसको छान के और थोड़ा डाइल्यूट करके इसमें बीच बीच में डालते हैं। आप मनी प्लांट में 15-20 दिन पर करीब नाइट्रोजन रिच कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर मैं यही कहूँगी कि गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइजर है, वो आप इसमें डालें। और इस समय बरसात है, इस समय आप देख रहे हैं मैंने 1-2 महीने से इसमें कुछ नहीं डाला, 1-1.5 महीने से, क्योंकि बरसात का पानी सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है मनी प्लांट के लिए। इसका ग्रोइंग पीरियड बहुत फास्ट होता है बरसात में, इसीलिए इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके पौधे तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग कटिंग थोड़ा पानी में डाल देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद जड़ें आती लगाते हैं, लेकिन इस समय आप डायरेक्ट मिट्टी में ऐसे लगा देंगे तो भी ये चल जाएगी कटिंग, और बहुत आसानी से आपका प्लांट्स तैयार हो जाएगा। बस कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है, और पानी की बात करें तो पानी तो इसको चाहिए ही चाहिए बस, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी रखिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखिए। दूसरे धूप की बात करें, वैसे तो ये इंडोर आउटडोर दोनों ही प्लांट है, लेकिन मनी प्लांट को फ्रेंड्स धूप भी चाहिए। बस मई जून की तेज जलने वाली धूप से आप बचाइए, बाकी आप इन्हें थोड़ा सा धूप में रखिए। हमारे यहाँ बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज देखिए मैंने सारे पौधे धूप में खींच के रखे हैं, जो इंडोर हैं वो भी, क्योंकि 4-5 दिन से पानी में ही डूब रहे थे पूरे पौधे हमारे, तो अब मैंने जो मेरे छाया में रखे थे उनको भी मैंने खींच खींच के रखा है धूप में। तो इस तरीके से आप इनको धूप भी जरूर दीजिए, धूप से ही इसकी ग्रीनरी निकलेगी।
और यदि फर्टिलाइजर में इनऑर्गेनिक आप पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़े से एनपीके के दाने पानी में आधा चम्मच घोल करके एक लीटर में आप इसके पत्तों पर छिड़कें। और यूरिया का भी 4-5, बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज़ मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, वैसे तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है यूरिया, लेकिन यूरिया को थोड़ा बहुत कम मात्रा में यूज़ करें तो इनके पत्तों पे चमक आएगी और इन्हें पर्याप्त नाइट्रोजन मिलेगी। क्योंकि ये फॉलिएज वाला प्लांट है तो आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर जो भी देना चाहें पसंद करें वो दें, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फर्टिलाइजर इसके लिए पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। आपके पास लोगों को पुरानी गोबर की खाद मिल नहीं पाती है, अब मैं तो इकट्ठी ट्रॉली भर के पूरी डलवाती हूँ गाय के गोबर की, फिर वो होती रहती है एडवांस में तैयार। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे, अब इस समय बरसात है फ्रेंड्स, बरसात में बड़ी लंबी लंबी ब्रांचें लटक रही, ग्रोथ हो रही है, पानी में रखे थे अभी पूरा, और अब देखिए इनको बस ऐसे बांधते जाते हैं इसमें इस तरह से, और ये पानी बरसात होती है तो पूरा बारिश में ही रखा हुआ है, और नहीं बरसात होती तो आप इस मॉस स्टिक को जरूर गीला रखें, इस पर फर्टिलाइजर भी जाना चाहिए, तभी इससे इनकी ब्रांचेस को भी इनकी जड़ों के जरिए न्यूट्रिशन मिलेगा और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। थोड़ी सी केयर करें फ्रेंड्स तो आप इस तरीके से खूबसूरत मनी प्लांट टावर तैयार कर सकते हो और अपने यहाँ की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। मैंने कई पौधे तैयार किए हैं, ये देखिए बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं मनी प्लांट के, हैंगिंग में भी लगाया है, देखिए हैंगिंग में भी लगे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं हैंगिंग, छोटी से छोटी बोतल में आपका देखिए लटकता है नीचे तक तो खूबसूरत लगता है। तो अभी तो मैंने पौधे सब अपने पानी में खींच के रखे थे, अभी सब अस्त व्यस्त हैं, किसी दिन आपको अपने बाहर का पूरा वीडियो एक एक प्लांट का डालूंगी। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके से एक लगाएं। एक फ्रेंड्स बात आपसे और करनी थी, मैं भूल गई, ये मॉस स्टिक आप देख रहे हैं टावर बड़ा करने के लिए बड़ी वाली मॉस स्टिक लगाएं, और यदि आपको बड़ी मॉस स्टिक नहीं मिलती है तो आप एक छोटी जो मॉस स्टिक पे पहले, जैसे ये मैंने छोटी पे चढ़ाया है, आप देख रहे हैं ये छोटी पे चढ़ाया है, और उसके बाद मैंने इसी में इसको छेद खोल करके इसी में मैंने एक और मॉस स्टिक घुसेड़ दी, तो उससे ये फिर इतनी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं मिलती है। उधर मैंने देखे, आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसको बड़ा किया है, ये पहले मेरी छोटी मॉस स्टिक लगी थी, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पत्तों को हटा के दिखाती हूँ, ये देखिए छोटी लगी थी, ये छोटी लगी थी इसमें, और इसमें देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रही कि नहीं, ये देखिए ये मैंने इसमें बड़ी खुर्स दी है, ये देखिए ये पुरानी वाली है इसमें नीचे, और इसी में मैंने इसको और लगा दिया है, अब ये मेरा ऊपर तक जा रहा है और इसी में मेरी ब्रांचेस बनती चली जाएंगी। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो रहा है, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस समय बहुत अच्छा मौसम है, आप अपने मनी प्लांट्स को किसी भी रूप में लगाएं, बहुत अच्छी ग्रोइंग होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।